हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन आर्ट 98। फ्रेंड्स, आज मैं इस रुमाल से न्यू बॉर्न बेबी के लिए पैंटी बना करके बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह की रुमाल ला करके आप बहुत ही आसानी से पैंटी बना सकती हैं गर्मी के लिए। ये कॉटन की रुमाल है और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रुमाल को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। उसके बाद एक फोल्ड और बीच से कर देंगे। ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 इंच है। नीचे से 1.5 पे निशान लगाएंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से, और यहाँ जो हमने निशान लगाया है इसको भी कटिंग कर लेंगे, काट लेंगे। अब हम इसको पलटेंगे ऐसे, और यहाँ से कट कर लेंगे। हम इसमें से एक पीस ले लेंगे, आगे की साइड है इसलिए हम इसको थोड़ा सा गुलाई दे देंगे। इस तरह से गुलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम नीचे सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लिया है इसमें। अब हमको इस तरह से इसको खोलना है और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। देखिए, मैंने इसको दोनों तरफ से सिल लिया है, इस तरह से। अब मैं इसमें ये लेस लगाऊंगी, मेरे पास इस तरह की लेस थी तो मैं इसमें लगा रही हूँ। लेस लगाने से थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाती है, तो अगर आपके पास इस तरह की लेस है तो लगा लीजिएगा, नहीं तो बिना लेस के भी ठीक है। मैं इस लेस को इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगी ऐसे। तो मैं इसमें लगा लेती हूँ। देखिए, मैंने इस तरह से इसमें दोनों तरफ लेस लगा लिया है। अब मैं इस तरह से करके दोनों साइड से इसको सिल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ से सिल लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा बराबर से काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा को। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। कि मैंने इसको सीधा कर लिया है, अब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। यहाँ पे हमने पतली वाली इलास्टिक ली है और इस तरह से इलास्टिक को रखना है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और इसको कट कर लेना है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह से करके सिलाई चला लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। उसके बाद फिर हमको इस तरह से फोल्ड करना है और चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। बस थोड़ा सा गैप छोड़ देना है इलास्टिक लगाने के लिए। देखिए, इसको मैंने चारों तरफ से सिल लिया है, बस यहाँ से गैप छोड़ा है, यहाँ से मैं इलास्टिक डालूंगी। हमने ये पिन लिया है, छोटी वाली पिन है, तो इसको इसमें इलास्टिक को डालेंगे। और यहाँ से जो गैप है उसके अंदर से इसको हम इलास्टिक को ले जाएंगे। इस तरह से हम इलास्टिक बाहर कर लेंगे और ये पिन से निकाल देंगे, इसको बराबर कर लेंगे इस तरह से। हमको ये इलास्टिक को पकड़ के इस तरह से रख के सिल लेना है। तो यहाँ पे मैं सुई धागे से इसको सिल लेती हूँ। जो गैप था इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसको सीधा कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल तैयार है। और ये कितनी प्यारी लग रही है, ये एक रुमाल से मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।